नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। मैं हूँ आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल घरेलू गैस सहित सामानों के बढ़ते दामों को लेकर आज मुंगावली ब्लॉक कांग्रेस ने नगर के जय स्तंभ चौराहे से विरोध रैली निकाली। कांग्रेसियों ने हाथ ठेले पर मोटरसाइकिल गैस सिलेंडर रखकर विरोध जुलूस निकाला, जो नगर के कई मार्गों से होता हुआ तहसील कार्यालय पहुंचा, जहां कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस ने पेट्रोलियम पदार्थों, घरेलू गैस, बिजली के साथ अन्य सामानों के लगातार बढ़ते दामों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेसियों ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार को पेट्रोल के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाना चाहिए। सरकार नई दिल्ली वैसे संपूर्ण भारतवर्ष में बढ़ रही महंगाई के संबंध में ध्यान आकर्षण देने के संबंध में उपरोक्त विषय अंतर्गत महामहिम महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा लगातार डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस सिलेंडर, दूध, फल, सब्जी, आम नागरिकों के प्रतिदिन की जरूरतें, सभी वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ज्ञापन सौंपा गया है कि किन मुद्दों को लेकर ज्ञापन? आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मुंगावली की तरफ से वरिष्ठ नेतृत्व के आदेश पर बढ़ती महंगाई जिससे आम जनता लगातार त्रस्त हो रही है, डीजल पेट्रोल के दाम प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, प्याज, आलू, टमाटर, तेल जैसी चीजें रसोई गैस से दूर रसोई घर से दूर होती जा रही हैं। आज आम जनता की आवाज को बुलंद करते हुए कांग्रेस कमेटी मुंगावली ने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम बढ़ती महंगाई के विरोध में एक ज्ञापन सौंपा है एवं महामहिम जी को निवेदन किया है कि इस महंगाई के विरोध में सरकार से जवाब तलब करें। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।